प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामास्वामी मंदिर में मलयालम राम कथा वाचक और संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को शॉल भेंट करके सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रभु श्री राम जी का भजन कीर्तन में शामिल हुए। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री ने बटुकों को सम्मानित किया। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल को 4,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिप्रयाग श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की है सुबह, जिसके बाद उन्होंने वैदिक मंत्रों का श्रवण किया। मलयालम भाषा में रामायण के कुछ अंशों को उन्होंने सुना, साथ ही साथ उन्होंने बटुकों को सम्मानित भी किया। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल को 3 बड़ी विकास परियोजनाएं का जो सौगात देने वाले हैं, राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, और ये परियोजनाएं बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित है। इसमें नए ड्राई डॉक और ISFRF का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री कल केरल पहुंचे तो कोची में उन्होंने जो रोड शो किया उसमें उनका भव्य स्वागत किया गया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की शुरुआत गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। साथ ही त्रिप्रयाग मंदिर भी वह पहुंचे